हेलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट जो अभी रह गया आपके पास, दो वीडियोस उसके हो गए थे। टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन, इसके ऊपर रुके थे हम। ये और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बट हाउ कार्बन फॉर्म्स अ बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था बिल्डिंग प्रोसेस। कार्बन एंड इट्स टेट्राहेड्रल नेचर, कार्बन एंड इट्स टेट्राहेड्रल नेचर ये आपको पढ़ना ही है। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में हो आएगा। समॉट इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट विच इज टू बी हियर इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम। 1, 2, 3, 4, 5 बोरॉन, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैपेसिटी ऑफ एस ऑर्बिटल गेट कंप्लीटेड, एस को कंप्लीट करने के बाद आगे जाना है। सेकेंड एनर्जी लेवल आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम एस, 2s2, 1s2, 2s2, देन 2p2। एक्चुअली इट इज ऑल्सो रिटन एज 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। इट इज डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। इट इज पी ऑर्बिटल विच इज डंबेल शेप, 2px2px। The region where electrons are there, the shape of region is that type. 2py, it is 2py, and 2pz, z axis, x axis, y axis. X axis पे जो है ना, उसको आप बोलोगे second energy level का p orbital, second energy level का pz orbital. सेकेंड एनर्जी लेवल का पी वाई ऑर्बिटल, इट इज अ पी वाई ऑर्बिटल, टू पी वाई ऑर्बिटल, टू पी एक्स ऑर्बिटल एंड टू पी झेड ऑर्बिटल, टू पी वाई, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी झेड। ऑल इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूटेड 2, 2, 1, 1, 1। हियर आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बॉक्स डायग्राम, इन दिस बॉक्स डायग्राम फर्स्ट एनर्जी लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड इट इज 2p ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज एम्प्टी। For bond formation, unpaired electrons are essential. 2 unpaired electrons are there, means carbon forms 2 bond. Actually, it is not correct. Actually,
it is a tetrahedral nature. In the second energy level, 4 electrons are there, but 4 electrons are not to be paired. One is paired and two electrons are unpaired. Due to presence of these 4 electrons into the different region, how we can explain tetrahedral nature of carbon? It is electronic configuration of carbon indicated in a ground state electronic configuration. Ground state mein carbon satisfy nahi hota. कार्बन के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, मगर कार्बन इज नॉट डायटॉमिक और टू बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म बाय कार्बन. कार्बन इज अ टेट्राहेड्रल, 4 का बॉन्ड्स आर फॉर्म. सो फॉर दिस फेनोमेनन टू एक्सप्लेन कार्बन इज इन टेट्राहेड्रल नेचर, वी मस्ट jump the electron from lower energy orbit to higher energy orbit, lower energy orbital, somewhat higher energy orbital. The jumping phenomenon takes place from here to here. S electron, the second S orbital, jumps into second P orbital. It is excitation. Excitation, some type of energy which is to be absorbed and it goes to somewhat higher state. Means it is 2p level, 2p z mein ho jayega. 2s se lekar 2p z mein chale gaya. So excited state, it is excited state. Excited state mein uska configuration kya hota hai? 1s2, 2s1. 2px1, 2py1 and 2pz1. Now 4 unpaired electrons are formed. Box diagram kya hoga? 1s2 which is paired, 2s1 get unpaired, ye bhi unpaired hoga, 1, 2 and 3. One electron from 2s goes into the 2p z, because these are the orbitals, p orbitals of 3 types, px, py, pz. S orbital, only spherical shape, central carbon, it is 1s, it is 2s, it is 2p, x, 2p, y, 2p, z. It means one s, 2s, 2px, 2py, 2pz. Distribution of electron around the nucleus of carbon. Get distributed into its appropriate